तो शुरू करते ही सबसे पहले इस शो का हाई क्वालिटी फुटेज ढूंढते ढूंढते मैं ऐसे इंटरनेट के मतलब ऐसे ऐसे वेबसाइट्स में पहुंच गया था कि मुझे लगने लग गया था कि अभी मेरा सिस्टम हैक हैक होने होने वाला वाला है है थिंक फोर एट्टी पीज द मैक्स जो मुझे मिला तो उसी से ही शुरू करना पड़ेगा तो शुरू करते हैं विद दिस शॉर्ट तो मैं और मेरा भाई जब भी ये शो देखते थे टीवी पे जब आता था उस टाइम पे तो इस शॉट में जो एक्टर है राहिल आजाम ही इज मूविंग सो ऑकवर्डली मतलब ऑकवर्डली शेक होते होते रहते हैं ऐसा लगता है तो ये पहला शॉट ऐसे रिलेटेड नहीं है लेकिन इंटरनेट अवेलेबल है एंड ईजी टू सर्च है आजकल तो मैंने सोचा कि थोड़ा ऐसे डिग इन किया जाए तो मैंने ढूंढा कि इन प्रोडक्शन मतलब मूवी मेकिंग में जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज फैन है दैट कैन थ्रो विंड अपू ट्वेंटी माइल्स पर आर मतलब 33 किलोमीटर पर आर के स्पीड से वो फैन हवा डाल सकता है एंड फनफेक्ट 40 50 kmph, 40 50 तो वो ऐसे इस हीरो के, लिए के, सामने के खड़े है, मतलब राहिल तलवार ऑकवर्डली इससे पता चलता है कि एक्टिंग इज नॉट ईजी और मैं ऐसे इतना हैप्पीली सरप्राइज हो गया जब मैंने इतने साल बाद इस शो को विजिट किया कि इतनी सारी चीजें इस शो में सही की गई है कि जो ये पहला ओपनिंग शॉट है इस आ, सीरीज का और यही कितना ग्रैंड लगता है मतलब अगर आप लोग ऐसे सिमुलेशंस देखोगे रिफ्लेक्शंस देखोगे और ये महल का डिज़ाइन इंस्टेंटली मुझे वो अपना अलादीन uh, का जो एनिमेटेड सीरीज आता था कार्टून आता था, था उसके मतलब उसकी याद दिलाने लग गया था तो इट वाज वेरी ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल मतलब वो ये देख के मुझे अच्छा लगा तो इस कैसल में अपना हीरो हातिम पैदा होता है और इस कैसल में अपना विलेन दज्जाल पैदा होता है तो मैं अपने ऑलमोस्ट एवरी वी एफ एक्स ब्रेकडाउन में मैं ये बोल चुका हूँ कि जब भी स्क्रीन में कोई ब्राइट ऑब्जेक्ट आता है तो उसका लाइट जो एन्वायरमेंट है उसको इन्फ्लुएंस करती है और ये चीज़ ना इस सीरीज uh, के काफ़ी सारे सीन्स में बहुत अच्छे से यूज़ हुआ है जो बहुत सेटिस्फाइंग लगता है मुझे जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ऐसे बिजली कड़की तो उसका इन्फ्लुएंस उस कैसल में हुआ विच इज़ सो सेटिस्फाइंग ऐसे देख के बहुत मज़ा आता है और ये मैं जो बोलता हूँ ना ये चीज़ इतना भी मुश्किल नहीं है किसी किसी शॉट में मतलब जैसे कि ऐसे शॉट्स में सिर्फ ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट से ही आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो कभी कभी बहुत मुश्किल होता है जब बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं उस शॉट में और मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये सारे जो शॉट्स है वो कंपोजिट शॉट्स है और कंपोजिट शॉट्स में लाइटिंग को कांस्टेंट रखना इज अ बिग 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 चैलेंज बट उसी के साथ मैं एक चीज बोल देता हूँ कि किसी भी सीरीज का जो पहला या दूसरा या तीसरा मतलब जो इनिशियल एपिसोड होते हैं उनको एक साथ बना के उसको बोला जाता है पायलट एपिसोड और उस एपिसोड को लेके आप चैनल्स के पास जाते हो एंड चैनल्स को दिखाते हो कि ये करने जा रहे हैं आप लोग फंडिंग दे दो टाइमिंग दे दो जो बाकी के मतलब बाद के एपिसोड्स हैं वहाँ पे ऑब्वियसली वो कन्वेरेबेल सिस्टम एस्टेब्लिश हो जाता है तो वीकली के हिसाब से या फिर डेली के हिसाब से एपिसोड निकालने होते हैं तो जो आर्टिस्ट होते हैं वी आर्टिस्ट उनको उतना टाइम नहीं मिलता है कि इतना इतने सारे पासेस वो क्रॉस करें मतलब रेंडरिंग या फिर जो सिमुलेशन होता है वो सब के या फिर एडिटिंग के टाइम पे तो कहीं कहीं पे ये चीज़ छूट गया है बट मैक्सिमम केसेस में मैंने जितना देखा मैंने आई थिंक चार या पाँच एपिसोड देखे ऐसे बीच बीच में से मुझे ऑलमोस्ट नाइन्टी नाइन्टी परसेंट में मुझे लगा कि उन लोगों ने ठीक से किया है तो बीस साल पहले भी आर्टिस्ट को करना आता था बस समय की कमी थी बट एक चीज की अगर कमी नहीं थी तो वो थी प्लानिंग क्योंकि इस सीरीज में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है कि प्लानिंग काफी अच्छे से हुआ है जैसे कि मैंने अपने जाने दुश्मन एक अनोखी कहानी के वी एफ में बोला था कि जब प्लानिंग ठीक से नहीं होता है प्री प्रोडक्शन प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन में तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे फिक्स करना होता है इट्स नॉट लाइक कि आपने उसको इंटेंशनली किया था बट कुछ चीज़ें हो गई तो आपको वो फिक्स करना पड़ता है बट यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्लानिंग स्टेज में ही अच्छे से हुई है वो देख के पता चलता है बिकॉज लुक एट दिस शॉट तो ये बहुत ही सिंपल सा एक शॉट है कि ये जो शैतानी वी है इसको किसी काम से बाहर भेजना है तो ये ना ये ऐसे खिड़की से बाहर निकलता है और अगर उस खिड़की को वहाँ पे नहीं रखते और ये जो शैतानी वी है ये सिर्फ ऐसे स्क्रीन को पार करके चला आता तब भी हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता बट इट वॉज अ रीज़न मतलब वहाँ पे एक रीज़न था कि वो खिड़की डाले ताकि ये जो वी है ये जो चीज़ है इसको बाहर से मतलब उसको एग्जीक्यूट किया जाए अच्छे से और अगर हम लोग डिटेलिंग की बात करें तो ये फ्रेम देखिए ऐसा लगता है कि वो जो चीज है वो आग के बीच में से ही आ रहा है प्लस ये फ्रेम भी देखिए यहाँ पे पीछे खिड़की दिखती है तो so, ट्रांसपेरेंसी भी बहुत अच्छे से मेंटेन हुआ है और ये जो थ्री डायमेंशनल मूव है तो ऑल दिस थिंग्स आर डन वेरी नाइसली एंड वेरी एलिगेंटली मतलब ऐसे प्यार से किया गया है वो पता चलता है तो इसके बाद जो ये शॉट है इसमें वी तो उतना है नहीं जितना मुझे लगा कि वी नहीं है ज़्यादातर प्रैक्टिकली है बट वायर वर्क काफ़ी अच्छा हुआ है वी के हिसाब से सिर्फ वायर रिमूवल ही है बट वायर वर्क उस लेवल में हुआ है कि जिस लेवल में उस टाइम पे मूवीज में भी नहीं होती थी सो दिस इज़ एक्चुअली रियली गुड एटलीस्ट टी वी सीरियल के हिसाब से तो बहुत अच्छे से हुआ है एंड हु लाइक टू टू फाइटिंग विद स्टिक्स फिर से कुछ ब्यूटीफुल शॉट्स ऑफ द लाइटिंग इफेक्ट्स रिएक्टिंग टू द एनवायरमेंट और उसके बाद आता है ये शॉट एक ग्रीन स्क्रीन शॉट जो देख के पता चलता है बट अगर मैं अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिटेलिंग में बात करने जाऊंगा तो बहुत लोग ऐसा बोलेंगे कि ये 20 साल पहले क्या वी है अभी से कंपेयर मत करो तो हम लोग उस टाइप से अप्रोच नहीं करते बट मैं आप लोग को एक क्वेश्चन करता हूँ कि ये हमें पता चल रहा है कि ये ग्रीन स्क्रीन है लेकिन क्यों पता चल रहा है ये ग्रीन स्क्रीन है तो थोड़ा एनालाइज करके सीखते हैं ना चीज़ें दैट इज द मोटो ऑफ दिस होल सीरीज ऐसा बहुत कम दिखने को मिलता है कि लाइटिंग मैच करते हैं ग्रीन स्क्रीन शॉट्स में लेकिन यहाँ पे वो भी हुआ है बट वाई इट्स वेरी प्रोमिनेंट कि वो ग्रीन स्क्रीन शॉट है तो ये जो ब्लैक लेवल्स है ऑफ द बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड वो मैच नहीं हो रहा है तो अगर लेवल्स को थोड़ा मैच कर देते तो एकदम सिमलेस हो जाता और पता भी नहीं चलता कि ये ग्रीन स्क्रीन शॉट है क्योंकि जो ग्रीन स्क्रीन का थ्रेश है वो भी मैनेजेबल है मतलब उस रिजल्ट uh, मतलब मुझे नहीं पता कि कितना लिमिटेशन था उस टाइम पे सॉफ्टवेयर्स का बट उसके हिसाब से ये काफी अच्छा है बट उसी सीन में इस शॉट के बाद एक सीक्वेंस आता है जहाँ पे ऐसे लावा आके उस कैसल में गिरता है तो अगर मुझसे पूछा जाए कि कोई एक चीज़ है मतलब एक वी है जो मुझे उतना इम्प्रेस नहीं कर पाया तो ये शॉट है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि लावा आके गिर रहा है तो जो पार्टिकल इफेक्ट्स है विच इज़ बिहेविंग नाइसली मतलब ऐसे कैसल के मोल्ड्स के हिसाब से लावा ऐसे बाउंस बाउंसअप हो रहा है सब कुछ हो रहा है बट जब लावा आके गिरता है और गिर के चला जाता है उसके बाद भी जो डैमेज होना चाहिए वो डैमेज बिल्कुल नहीं है इट्स वेरी क्लीन अगर इसको थोड़ा अच्छा करते तो ऐसे मजा आ जाता मतलब उसके बाद बट मैं आपको रीजन भी बताता हूँ कि ये क्यों नहीं हुआ क्योंकि बेसिकली बेसिकलीज आर ऑल कॉम्पोजिट शॉर्ट्स और जब हम लोग कॉम्पोजिट शॉर्ट्स के बारे में बात करते हैं तो आ, हर चीज को ना पासस में किया जाता है मतलब जहाँ पे पार्टिकल इफेक्ट्स आता है कि लावा का मतलब जो आ, आग होता है मतलब जो फायर पार्टिकल होता है उसका एक अलग पास जाता है फिर स्मोक का एक अलग पास जाता है फिर जो रिफ्लेक्शन होता है रिफ्रैक्शन होता है उन सबका अलग अलग पासेस जाते हैं तो यहाँ पे क्या है कि ऑब्वियसली ये मैंने जैसे कि बोला कि एपिसोड वाइज है तो उनको नहीं लगा होगा कि इतने छोटे से शॉट के लिए इतने सारे पासे रेंडर करके फिर कंपोजिट किया जाए तो उन्होंने ऐसे छोड़ दिया बट अगर मुझसे पूछा जाए तो सिर्फ यही एक सीक्वेंस है जो मुझे उतना इम्प्रेस नहीं कर पाया इस सीरीज में मतलब जितने भी एपिसोड मैंने देखे तो अब बात करते हैं अपने हीरो की एंट्री की तो ये जो एक छोटा सा सीक्वेंस है तो इसमें वी के बारे में नहीं लेकिन ये सिक्वेंस देखिए मुझे ऐसा लगा कि हाउ फार टेक्नोलॉजी हैव कम क्योंकि ये एक स्लोमो सिक्वेंस है लेकिन इस सीक्वेंस में ना ऐसे जिटर ही है मतलब ये स्मूथ स्लोमो नहीं है क्यों क्योंकि इस पूरे सीन को 24 फ्रेम्स पर सेकेंड में ही रिकॉर्ड करके उसको स्लो किया गया है सो so इसीलिए बीच के फ्रेम्स नहीं है तो थोड़ा ऐसे जिटर ही मतलब ये एकदम स्मूथ स्लोमो नहीं है इसमें अचीव करना थोड़ा मुश्किल है अभी रीज़न क्यों है क्योंकि उस टाइम पे जो हाई स्पीड कैमरास होते थे मतलब ज़्यादा फ्रेम रेट्स में शूट करने वाले कैमरास होते हैं होते थे वो सारे वाइडली अवेलेबल नहीं थे या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव या फिर मतलब उन लोगों का एक्सेस एक्सेसिबिलिटी बहुत लिमिटेड था उस टाइम पे तो इसीलिए एक सीरियल के बजट में मे बी सिनेमाग्राफर को लगा नहीं हुआ कि वो लगाया जाए बिकॉज आई रिमेंबर कि जब मेरा एक्सपोजर हुआ था हाई स्पीड से वो था वट आई हैव डन लिंकिन पार्क का जो ये गाना था इसमें बहुत ही बटरी स्मूथ कुछ ऐसे हाई स्पीड शॉट्स यूज हुए थे और ये शॉट देख के ना मैं बहुत सोच में पड़ गया था कि ये कैसे क्या होगा मतलब इतना इतना स्मूथ मतलब ऐसे ऐसे हेवनली लगता है और ये उन लोगों ने आई थिंक थाउजेंड फ्रेम्स पर सेकेंड का यूज किया था तो ये इतना स्लो है कि आपको वो लाइट का जिटर भी दिखता है कि लाइट जिटर हो रहा है पीछे सो दिस इज सो नाइस मतलब ऐसे ड्रीमी वाला फील आता है बट अगर हम लोग अभी की बात करें तो अभी आईफोन जो हम लोग पॉकेट में लेके घूमते हैं आईफोन आईफोन में थाउजेंड एफ का रिकॉर्डिंग हो सकता है तो जब आप लोग ऐसे गैजेट्स के बारे में बात करते हो ना तो मुझे बहुत ऐसे ऑकवर्ड फील होता है और मुझे बहुत अजीब लगता है क्योंकि आप लोग अभी गियर को लेके इतना इंपॉर्टेंस uh, देते हो लेकिन हम लोग जब सीख रहे थे तो गियर्स अवेलेबिलिटी जीरो था मतलब हम लोग यही सब देख देख के सीख रहे थे इन्हीं सब का जुगाड़ लगा रहे थे सो so इसीलिए मैं गियर्स के बारे में बात करना ऐसे अवॉइड ही करता हूँ एंड उसी के साथ भी मेरे दिमाग में एक पर्सनल uh, एक्सपीरियंस आ रहा है मैं आप लोग को बताता हूँ कि जो ये मैंने जैसे बोला कि वट आई हैव डन वॉज माई फर्स्ट एनकाउंटर विथ हाई स्पीड की वो वैसा भी एक चीज़ होता है और उसके कई साल बाद हम लोग एक असम में ही हाई स्पीड शूट करने गए थे मतलब एक एडवर्टाइज का शूट था तो जो मैडम थी मतलब जो एक्टिंग कर रही थी फिर हम लोगों ने सिनेमाग्राफी भी लिया था तो हम लोगों ने हाई स्पीड कैमरा बिठाया और जो मैडम थी उनको हम लोगों ने समझाया कि आपको हाई स्पीड में शूट किया जाएगा सो आपको ऐसे धीरे से आपको सब कुछ होगा तो जैसे ही एक्शन बोलते हैं सो जो मैडम थी वो खुद से ही ऐसे धीरे एक्टिंग करने लग जाती है कि ऐसे ऐसे करके एकदम तो धीरे धीरे एक्टिंग करने लगती है फिर हम जाके उनको समझाते हैं कि मैम ऐसा नहीं है आपको अपने ओरिजिनल स्पीड में ही करना है हम लोग उसको बाद में जाके स्लो कर देंगे क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स ना हम लोग का वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है जब हम लोग को कुछ बोला जाता है तो हम लोग वैसे ही बिहेव करने लगते हैं सो फिर से एक बार मतलब एक्टर्स का काम उतना इजी नहीं है क्योंकि उन लोग को अपने नेचुरल इंस्टिंग से भी फाइट करना होता है और ऐसा नहीं है कि ये बहुत रेयरली होता है ये बहुत कॉमन है क्योंकि जो स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी है वहां पे भी क्या इश्यू होता था एक्टर्स को जब ऐसे लाइट सेवर से फाइट करना होता था तो वो लोग अपने एक्टिंग के फ्लो में इतना आ जाता था, था कि लाइट सेवर का आवाज जो था वो अपने मुंह से निकालने लगते थे कि चिव चुव चिव चिव ऐसा करके तो अगर कोरियोग्राफी परफेक्ट भी हो रहा है बट फिर भी कट करना पड़ता था क्योंकि वो लोग ऐसे मुंह से आवाज कर करके फाइट कर रहे थे वो एक फैक्ट है आप लोग देख सकते हो तो या तो लॉन्ग शॉट लेना पड़ता था ताकि उन लोग का ऐसे जो लिप मूवमेंट है वो पता ना चले या फिर बार बार रीशूट मतलब क्लोजा में रीशूट करना पड़ता था बिकॉज वो होता है मतलब हम लोग का वो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है वो हो जाता है बट एनी वे लेट्स गेट बैक टू हातिम अभी ये सिक्वेंस देखिए ड्रैगन्स के बारे में हम लोग थोड़ा बाद में बात करेंगे लेकिन इस शॉट को देखिए पहले कुछ नोटिस किया आप लोगों ने चलिए फिर से एक बार देखते हैं तो अगर आप लोगों ने नोटिस किया जो मैं बोलना चाह रहा हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो बेसिकली क्या है कि ये जो हातिम का नीचे से ऊपर दिखने वाला जो शॉट है उसको ही रिवर्स करके फिर ऊपर से नीचे दिखने वाला कर दिया गया है क्योंकि आई थिंक उन लोगों ने लिया नहीं होगा बट इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर कि वो जो रेफरेंस पॉइंट है मतलब इधर से इधर देख रहे हैं तो उसी शॉट को रिवर्स करके इधर डाल दिया और ये भी एक फिल्म मेकिंग का बहुत ही कॉमन ट्रोप है मतलब ये बहुत यूज़ होता है फिल्म मेकिंग में जो कि हम लोग को पता भी नहीं चलता है ड्यूरिंग माई रिसर्च मुझे एग्जाम्पल के लिए जो सीन्स मुझे याद आ रहे थे वो मुझे नहीं मिला कि मैं आप लोग को दिखा पाऊँ बट uh, जो मुझे याद आ रहा है कि शज़ान में एक सीन था जहाँ पे वो uh, जो बिल्ली जो मेन uh, कैरेक्टर रहता है वो बस खड़े होकर देखते रहता है तो वो जो तो खड़े हो रहा है वैसे देट वॉज लाइक ए स्मॉल सिक्वेंस उसको ही लू कर कर करके ऐसा लगता है कि ही इज़ जस्ट टैरिंग तो ये भी एक चीज़ है जो काफ़ी यूज़ होता है और अगर आप लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आप लोग को लग रहा होगा कि बस हीरो की एंट्री हुई ही है और ये वीडियो ख़त्म होने वाला है वेल well, ऐसा ही है क्योंकि इस शो में भी मुझे बात करने के लिए इतना कुछ है कि इसको भी मुझे दो पार्ट में करना मे बी तीन पार्ट भी हो सकता है मतलब डिपेंडिंग क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे सीन्स हैं मुझे ब्रेकडाउन करने में एंड मुझे 10-12 मिनट से मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहता वीडियोज़ को वरना मतलब आप लोग नहीं देखते हो पूरा मुझे पता है वो वाला चीज़ बट इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं नेक्स्ट डे मतलब कल नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि मैं थोड़ा ऐसे आउट ऑफ स्टेशन जाने का प्लान कर रहा हूँ सो आई हैव टू शेड्यूल माई वीडियोज अकॉर्डिंगली ताकि आप लोग को हफ्ते में एटलीस्ट एक वीडियो मिलता रहे तो इसका जो सेकेंड पार्ट है वो आप लोग को अगले हफ्ते ही मिलेगा मतलब अगले वीकेंड को ही इसका सेकेंड पार्ट मिलेगा तो आई होप आप लोग थोड़ा इंतजार कर लोगे उसके बीच में मैं इसके बीच में और ज्यादा वीडियो शेड्यूल करूँगा आप लोग के लिए ताकि मैंने बोला ना हफ्ते में एक वीडियो आप लोग को मिलना चाहिए ऐसी मेरी कोशिश रहती है सो दैट यूट्यूब मुझे भुला ना दे आप लोग तक मेरे वीडियोज पहुँचते रहे क्योंकि यूट्यूब बहुत बुटल है मतलब दो हफ्ते नहीं डाले तो फिर आप लोग को नोटिफिकेशन भी, भी भेजना बंद कर देगा यूट्यूब तो सब्सक्राइब करके जाइए अगर आप लोग को हातिम वी एफ एक्स ब्रेकडाउन का सेकंड पार्ट भी देखना है मिस नहीं करना है और अगर ऐसे ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तब भी सब्सक्राइब कर लीजिए दिस दिसो शमीम यू वो वाचिंग कि सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो